नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। सारे बच्चे जो दसवीं पास हैं उनके लिए एक बहुत बेहतरीन वैकेंसी आपके दरवाजे पे है और आप लोग इसकी तैयारी आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। अगर देखा जाए तो आरआरबी की तरफ से लगातार टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे पदों पे वैकेंसीज निकल रही हैं और एक एक करके सारी जानकारी टीम परीक्षा प्लस आपको बहुत ही बखूबी दे भी रहा है। आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से जहां पे लाखों वैकेंसीज आपका इंतजार कर रही हैं, अगर ये मौका आप लोग छोड़ दिए, ये मौका अगर आप लोग हाथ से जाने दिए, तो शायद इससे बेहतरीन मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, आरआरबी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो टीम परीक्षा प्लस बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करवा रही है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। एक एक चीज मैं आपको डिटेल में देता हूं। सबसे पहली बात तो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, कब आएगा, तो एज क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेबस क्या है, फिजिकल भी होता है इसमें, और पदों की संख्या कितनी रहने वाली है। समग्र रूप से इस सेशन में हम लोग आने वाले 7-8 मिनट में बहुत कम समय में, और सबसे बेहतरीन जो आपको जानकारी इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये उन बच्चों के लिए है जो 10th पास है। मतलब अगर आपने केवल 10th किया है, अभी आपने 12th भी नहीं किया है, अभी आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं है, तो ये वैकेंसी आपके लिए सबसे बेहतरीन वैकेंसी, सबसे अच्छी सैलरी वाली, और सबसे ज्यादा बोल सकते हो कि सबसे कम तैयारी में सबसे आसान तरीके से मिलने वाली नौकरी आपकी आरआरबी ग्रुप डी होने वाली है। क्या है, एक एक चीज मैं आपको बताता हूं। आरआरबी की तरफ से एनुअल कैलेंडर आया हुआ है जिसमें से एएलपी की वैकेंसी जो इन्होंने जनवरी से मार्च बोला, इन्होंने जनवरी कर दिया। पहला महीना आप देखते हो, चलो टेक्नीशियन का इन्होंने फरवरी पहले बोला था, बाद में अप्रैल से जून, तो अप्रैल ज्यादा चांस है। उसके बाद जुलाई से सितंबर में आपका एनटीपीसी जूनियर इंजीनियरिंग और पैरामेडिकल कैटेगरी के आने वाले हैं। उसके बाद फिर आपका अक्टूबर के महीने में आपके लिए आने वाला है लेवल 1, जिसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं ग्रुप डी की वैकेंसी। और इस बार वैकेंसीज की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है। कितनी होने वाली है वो मैं आपको बता दूं, ओवरऑल ये पूरी जो वैकेंसी है ये 1.5 लाख की है, जिसमें से एएलपी का लगभग 5696 पद आ चुका है, टेक्नीशियन की 9000 पदों की घोषणा हो चुकी है, एनटीपीसी में लगभग आपके 14,000 से लेके 20,000 के बीच में आपकी एनटीपीसी की वैकेंसी रहने वाली है। जूनियर इंजीनियरिंग में भी लगभग 10,000 के आसपास आपका रहने वाला है। पैरामेडिकल में आपका 2 से 3 हजार पद यहां पे होने वाले हैं। और उसके बाद आपका जो ग्रुप डी है, इसमें पहले मैं आपको मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी बता दूं, ये आपका स्टेनो का होता है, और इसमें भी कम से कम 5 से 6 हजार, यानी अगर आप देख लो तो 5 हजार यहां पे, 14 हजार लगभग यहां पे, अगर मैक्सिमम ले लो तो 20 यहां पे हो जाएगा, 34 हजार, उसके बाद 34, 10, 44 हजार, 44 और 3, यहां पे अगर देखा जाए 5 ले लें तो 50 हजार, 50, 5 से 55 हजार, मतलब कि आपका लगभग 1 लाख वैकेंसी। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आरआरबी जो ग्रुप डी आपका लेवल 1 होने वाला है, इसमें कम से कम 80,000 प्लस वैकेंसी इस बार आने वाली है। इससे पूर्व में 2018 और 19 में एक बार 60,000 के आसपास, एक बार 1 लाख के आसपास लगभग 1,60,000 वैकेंसी आ चुकी थी। और जो बच्चे पिछली बार चूक गए थे उनको भी इस बार मौका मिलने वाला है, क्योंकि एज रिलैक्सेशन इस बार आपको दिया जा रहा है। एक एक चीज मैं आपको डिटेल में दे रहा हूं, ये जो आपके सामने है सब कुछ आपको मैं यहीं पर बता दे रहा हूं। है क्या, सबसे पहले कि आपका एज क्या होगा। जब भी आप कोई वैकेंसी के बारे में सुनते हो तो आपको सबसे पहले जानना होता है कि क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी में अगर मैं एज की बात करूं तो जो एज है वो मिनिमम आपका 18 लेता है। मैक्सिमम ये पिछली बार जो 2019 में 1 लाख वाली वैकेंसी आई थी उसमें मैक्सिमम 33 तक लिया था, लेकिन इस बार आरआरबी सभी में क्या कर रहा है, 3 साल का आपका क्या कर रहा है, 3 साल का रिलैक्सेशन दे रहा है। तो इस हिसाब से 18 से 36, मतलब मिनिमम 18 और मैक्सिमम 36 साल के बच्चे इसमें आवेदन कर पाएंगे। ये जनरल कैटेगरी की मैं बता रहा हूं। इसके अतिरिक्त आपके जैसे एससी एसटी हैं उनके 5 साल, जो ओबीसी हैं उनके 3 साल, और अन्य भी रिलैक्सेशन सारे के सारे ग्रुप में आपको मिलता है, तो एक बहुत बेहतरीन चांस है। सैलरी इसमें जो मिलती है लेवल 1 में लगभग अगर देखा जाए तो 30,000 के आसपास आपको पहली सैलरी इन हैंड आएगी। ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी सैलरी यहां पर स्टार्ट होती है। एलिजिबिलिटी केवल 10th बेसिस पे होता है, कुछ पद होते हैं जिनमें आईटीआई भी मांगता है। पिछली बार जो 1 लाख की वैकेंसी आई थी उनमें सारे के सारी वैकेंसीज
केवल टेंथ बेसिस पे था, उनमें आपका आईटीआई नहीं मांगा था, मतलब या तो टेंथ किए हो या आप आईटीआई किए हो, टेंथ प्लस आईटीआई नहीं था। जबकि उससे पहले जो आपकी 60,000 की वैकेंसी आई थी उसमें उन्होंने टेंथ प्लस आईटीआई मांगा था। इस बार भी चांस ज्यादा है कि आपका टेंथ और आईटीआई हो, आईटीआई अलग से ना हो, बट जो भी हम लोग देखेंगे, अभी आपके पास पूरा एक साल है, जो लोग आईटीआई कर रहे हैं उनका भी कंप्लीट हो जाएगा अगर मांगता है तो, बट ज्यादा चांस है कि आपका केवल टेंथ बेसिस पे होगा। अब आप लोग इसकी तैयारी करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि सबसे अच्छी बात है एक ही चरण में, इसमें जैसे बाकी वैकेंसीज होती हैं आरआरबी की उनमें 2-3 चरण होते हैं, यहां पे आपका केवल एक चरण है, उसके बाद आपका फिजिकल है। फिजिकल भी आपको मैं जानकारी दूंगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका एज क्वालिफिकेशन हो गया, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, अब आप पेपर दोगे तो किस प्रकार से आपका सिलेक्शन यहां पे होना है। सीबीटी 1 में बेटा 90 क्वेश्चन पूछते हैं और ये 90 मिनट का होता है, 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। निगेटिव आपका 1/3 होता है, जिसमें मैथ्स पूछता है, रीजनिंग पूछता है, साइंस पूछता है और जीए जीके करंट अफेयर्स आपका पूछता है। ये आपका क्या होता है, ग्रुप डी का होता है, जिसमें से आपका मैथ्स 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस के आपके 25 क्वेश्चन होते हैं और जीए जीके करंट अफेयर्स के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। पूरा मिला लिया जाए तो ये लगभग 100 क्वेश्चन और 90 मिनट में आपको, मतलब कि 1.5 घंटे में आपको क्या होता है, इसे करना रहता है आपका। जब यहां से आप क्या कर लोगे, यहां पे सीबीटी 1 में मेरिट में आ जाओगे तो लगभग वैकेंसी का 3 गुना बच्चा, लगभग अगर 80,000 वैकेंसी आएगी तो 2,40,000 बच्चे, अगर 1,00,000 वैकेंसी आएगी तो लगभग 3,00,000 बच्चे क्या होंगे, उनका फिजिकल होगा, जिनमें मेल का क्राइटेरिया अलग है और फीमेल का क्राइटेरिया अलग होता है। मेल क्राइटेरिया में क्या होता है कि आपको 35 किलोग्राम का जो वेट है वो अपने पीठ पे लेके उसे उठा के और आपको 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में करना होता है, आसान होता है। ये बात अलग है कि 35 किलो वेट उठा के 100 मीटर चलना, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग फिजिकल। एक बात बताओ, ग्रुप डी की तैयारी करता कौन है, आप जैसे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, जो ऑलरेडी से हृष्ट पुष्ट होते हैं, ऑलरेडी बचपन से ही उन्हें काम करने की आदत होती है, तो 35 किलोग्राम वेट आपके लिए कोई बहुत ज्यादा वेट नहीं होता। महिलाओं के लिए भी वेट लिफ्टिंग है, मतलब कि आप लिफ्ट करके कैरी करोगे, लेकिन महिलाओं के लिए 20 किलोग्राम केवल होता है और 20 kg वेट, मतलब कि जैसा आपने बैग पैक, एक लैपटॉप वाला बैग होता है उसमें आप लोग सामान रख के कई बार ट्रेवल करती रहती हो, बस उतना ही वेट आपका है, 20 kg कोई वेट बहुत ज्यादा वेट नहीं होता है। और ये आपको भी 100 मीटर ही चलना है और ये करना है 2 मिनट में, मतलब केवल पुरुष और महिला में अंतर ये होता है, पुरुष को 35 kg का वेट और महिला को 20 kg का वेट लेके 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी होती है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, इसके अतिरिक्त एक रेस भी होता है जहां पे 1 किलोमीटर का रेस आपको 4 मिनट और 15 सेकंड में पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए वही 1 किलोमीटर का अतिरिक्त समय दिया जाता है 5 मिनट और 40 सेकंड का, यहां पे महिलाओं को किया रहता है। तो फिजिकल इसका बहुत टफ नहीं है, अभी आपके पास समय भी है। अगर आपका अक्टूबर में क्या आएगा, अक्टूबर में वैकेंसी आएगी, इसका नोटिफिकेशन आएगा, अक्टूबर 2024 की बात करो, उसके बाद आपको कम से कम 2-3 महीने मिल जाएंगे और भी फिजिकल को, तो आप काफी, मतलब अभी से लेके एक साल में अच्छा सा खाओ पियो, थोड़ा बहुत फिजिकल करते रहोगे तो ये भी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि यहां पे इसे क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यानी कि मुश्किल इन द सेंस कि कंपटीशन आज के समय में देखा जाए, कंपटीशन जिस लेवल पे है उसके तर्ज पे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ भैया 100 है, आप 50 नंबर ले आओगे तो आपका हो जाएगा, अगर देखा जाए तो कट ऑफ 70, 70, 75, 75 और कई बार कई जोन में 80 तक भी पहुंच जाता है, तो इस हिसाब से आपको 75 से 80%। कारण क्या है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान होता है, जैसे मैथ्स तो बहुत आसान लेवल की पूछी जाती है, रीजनिंग भी आसान होता है, साइंस भी आपका 10th बेसिस, केवल अगर आप एनसीईआरटी का 9th और 10th केवल साइंस में पढ़ लोगे तो आपका उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और जीए जीके करंट अफेयर्स, क्योंकि यहां पे 20 है, ज्यादा से ज्यादा आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक पढ़ना है। ये कंप्लीट रणनीति, कंप्लीट तैयारी आपकी टीम परीक्षा प्लस आपको करवा रही होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रही होगी, मतलब उसके बाहर आपको एक शब्द भी नहीं पढ़ना है। और इस बात की गारंटी है कि टीम परीक्षा प्लस एक एक प्रश्न जो आपके पेपर में आने वाला है वो आपके सिलेबस में सब कुछ कवर करवा देगी, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देगी। तो ये रहा आपका। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको नौकरी कहाँ कहाँ मिलती है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जोन वाइज होता है, अलग अलग जोन का होता है, जैसे रेलवे की सारी वैकेंसीज होती हैं और उनमें मैक्सिमम जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, असिस्टेंट के, हेल्पर के होते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिकल जो असिस्टेंट है, कई जगह असिस्टेंट कई जगह हेल्पर के होते हैं, तो आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट होते हैं, असिस्टेंट पॉइंट्समैन होते हैं, गेटमैन होते हैं, पोर्टर, हमाल, स्वीपर कम पोर्टर होते हैं, ऐसे ही आपके
हेल्पर इलेक्ट्रिकल या असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैकेनिकल, असिस्टेंट सिविल, असिस्टेंट इंजीनियरिंग, असिस्टेंट मेडिकल, और ऐसे तमाम पद होते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सारे ही आप ऐसे समझो ग्रुप डी में मेन काम क्या होता है, जैसे जो झंडी दिखाते हैं ट्रेन आ रही है तो हरी झंडी लाल झंडी दिखाते हैं ना गेट में, वहां पे वैसा काम होता है, या फिर फाटक खोलना बंद करना है वो होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि कई जगह जो छोटी छोटी गुमटी बनी होती है, जो छोटे छोटे फाटक बने होते हैं रेलवे के, वहां पे जो लोग होते हैं वो काम होता है। कई लोगों को आप लोग देखते होंगे कि जैसे कई बार मेंटेनेंस वगैरह चल रहा होता है तो वो लेके चल रहे होते हैं, उस पर कई सारे लोग ड्रेस पहन के, थोड़ा सा वो टफ होता है, और सबसे ज्यादा जॉब जो बच्चे ड्रॉप करते हैं वो भी वही सेगमेंट है आपको बता दूं, लेकिन वहां पे भी बहुत अच्छे खासे में क्या होते हैं बच्चों का चयन होता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे पद होते हैं जैसे आपका पॉइंट्समैन हो गया, जैसे आपका स्वीपर हमाल हो गया, जैसे आपका क्या हो गया हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया, कि हॉस्पिटल में बैठे रेलवे के हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें अटेंडेंट की पोस्ट होती है, तो ये सारे पोस्ट आपके हैं। और इनके लिए आपका एक जब आप क्या कर लोगे सीबीटी वन क्लियर कर लोगे, यहां से 2 से 3 गुना, जो 2018 में आई थी उसमें 2 गुना था, और जो 2019 में आई थी उसमें 3 गुना, हम मान के चलते हैं लगभग 3 गुना बच्चे क्या होंगे यहां पे जाएंगे, लगभग 2,40,000 अगर 80,000 वैकेंसी है या 3 लाख वैकेंसी है तो लगभग 3 लाख बच्चे यहां पे जाएंगे। यहां पे जब आप फिजिकल भी क्लियर कर लोगे तब आपका मेडिकल होगा, मेडिकल में ये आपका इसे आप देख लीजिए, मेडिकल की एक अलग से वीडियो भी बनी हुई है, आप उसे टीम परीक्षा प्लस के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, या फिर उसकी लिंक भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। इसमें आपको जैसे जितने भी असिस्टेंट वाले पद होते हैं उनमें आपके मैक्सिमम B1 कैटेगरी का बनता है, जो हेल्पर मैकेनिक होती है इसमें भी B1 है, जो जितने भी हैं असिस्टेंट वाले पद हेल्पर वाले उसमें B1 मांगता है, मेडिकल में C1 मांगता है, कई जगह आपका क्या मांगता है A2 भी मांगता है, जैसे पॉइंट्समैन है यहाँ पे A2 और गेटमैन है यहाँ पे A2, ये A2 B1 C1 B2 है क्या, ये आपका यहीं पे फिजिकली फिट होना चाहिए सब में, और जो डिस्टेंस है इसमें डिस्टेंट विजन जो है इसमें A2 B1 B2 और C1 ये विजन के अनुसार आपका होता है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ भी लीजिए, इसकी अलग से वीडियो भी बना दी गई है, वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। तो ये आपका क्या है एक मोटा मोटा जो आपकी एलिजिबिलिटी आने वाली है क्या हो सकता है, बाकी सारी चीजें मैंने बता दिया, एक बार आप सिलेबस देख लो कि कैसे करना है। तो अगर आप देखोगे तो मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छी बात है कि रेलवे में आप किसी की भी तैयारी करो, आप ALP की तैयारी करो, आप टेक्नीशियन की तैयारी करो, आप NTPC की तैयारी करो, आप ग्रुप डी की तैयारी करो, आप जो मिनिस्ट्रियल वाले पद हैं स्टेनो वाले पद हैं उनकी तैयारी करो, या फिर आप पैरामेडिकल की तैयारी करो, लगभग जो आपका सिलेबस है वो सारे के सारे क्या है सेम है, या आप JEE की तैयारी, सबके सिलेबस सेम है, और यहां पे भी मैथ्स आपका सेम वही है जो हर जगह है, लगभग मैथ्स कंप्लीट पूछी जाती है, मतलब कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी लेकिन बहुत बेसिक, स्टैटिस्टिक भी जिसमें मीन मोड मीडियन बहुत बेसिक, ऐसे ही आपका स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, क्लॉक कैलेंडर जनरली रीजनिंग का टॉपिक होता है, RRB इसे मैथ्स में इंक्लूड करती है, ऐसे फिर रीजनिंग में भी लगभग इन्होंने सारे ही टॉपिक क्या किया है इंक्लूड किया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जनरल साइंस में इन्होंने क्या बोला है 10th स्टैंडर्ड का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों, मतलब आपको केवल 9th और 10th CBSE NCERT की जो किताबें होती है NCERT की 9th और 10th अगर आप पढ़ लोगे तो आपका यहां पे कवर हो जाएगा। और उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस में आपको बता दूं कि केवल करंट अफेयर्स और स्टैटिक अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप 20 में से कम 15 प्लस स्कोर कर ले जाओगे, तो आसान होता है। इस बार आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, सेफ स्कोर मैं आपको बता दूं कि कम से कम आप 75% लेके चलो, मतलब 100 नंबर में 100 क्वेश्चन में आपको 75 प्लस सही करके आने हैं, 1/3 निगेटिव होता है उसका ध्यान रखना। हालांकि अभी आप इन सब की चिंता मत करो, टीम परीक्षा प्लस से जुड़ते हैं अगर आप तो आपको सारी तैयारी बहुत बेहतरीन करवा दी जाएगी। तो ग्रुप डी की वैकेंसी भैया 80,000 से लेकर 1,00,000 का पद आपका इंतजार कर रही है। अब ऐसे बच्चे होते हैं आप में से कुछ ऐसे बच्चे जो जिनकी सोच होती है कि जब वैकेंसी आ जाएगी तब तैयारी करेंगे, ऐसे बच्चों सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सिलेक्शन उन बच्चों का होता है कि हमें पता है कि कैलेंडर में वैकेंसी आ रही है, अब आप उसमें अभी से जुट जाओ। और सबसे ज्यादा दिक्कत होती है फ्रेशर बच्चों को जो नई नई तैयारी करने आते हैं, मैं हमेशा उन बच्चों के साथ रहता हूं जो बिल्कुल नई नई तैयारी स्टार्ट करते हैं कि उनको वो दिक्कत ना सहना पड़े जो बाकी हमारे छात्र होते हैं 2-2, 3-3 साल 4-4 साल तैयारी करते हैं उसके बाद लगता है कि जब वैकेंसी आती है तो ओवर एज हो जाए। ये समस्या आपको ना आए इस कारण से मैं आपको बच्चों बता रहा हूं कि अभी से इसकी तैयारी में जुट जाइए, अभी से मैथ्स को
रीजनिंग को, साइंस को और करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ते जाइए। यकीन मानिए आप एक एक क्वेश्चन पे दबा देंगे और एक एक क्वेश्चन आपका सही होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप टीम के बताए हुए जो मार्गदर्शन है उस पर अगर आप चल लिए, जो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है उस गाइडेंस को अगर आपने फॉलो कर लिया, तो आपके टीम परीक्षा पर बहुत बेहतरीन तैयारी कर रही है, करा रही है। अगर आप जिस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी अवश्य करते रहिएगा। ये आपका जितने भी पद हैं जैसे हेल्पर, इसमें हेल्पर बोला गया जो 18 में 19 वाला जो आया था आरआरसी 1/2019 में पोस्ट पैरामीटर, इसमें उसी को असिस्टेंट, दोनों वैकेंसी सेम है, कई जगह हेल्पर कई जगह असिस्टेंट। इन्होंने बोला हेल्पर नाम थोड़ा सा खराब लगता है, असिस्टेंट नाम दे दो। तो यहां पे वर्कशॉप देखो ब्रिज में होता है, CNW होता है, डिपो में होता है, जैसे जहां पे स्टोर वगैरह होते हैं, रेलवे के सामान रखे होते हैं उनके रख रखाव के असिस्टेंट होते हैं, लोको सेड होता है डीजल का, इलेक्ट्रिकल का, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का होता है, पॉइंट्समैन होते हैं, सिग्नल SNT बोला जाता है, सिग्नल एंड कम्युनिकेशन होता है, जो क्या दिखाते हैं सिग्नल वगैरह दिखाते हैं, असिस्टेंट ट्रैक मशीन होता है, TL&AC होता है, वर्कशॉप TL&AC में होता है, TRD होता है वर्कशॉप, ये सारे क्या होते हैं पद होते हैं, लगभग 28 से ज्यादा पद होते हैं। इनमें आपके मैक्सिमम जो कैडर होते हैं इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ये वाले होते हैं, बट इसमें आपको ध्यान देना, तो यहां पे देखो 10th पास और ITI दिया हुआ है, मतलब या तो आप 10वीं पास हो या ITI हो, दोनों साथ में नहीं मांगा है। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये सब है इसका मतलब ITI मांगा होगा, ऐसा नहीं है। जो आपकी 100,000 वैकेंसी आई थी आप देख सकते हो ये उसी का है, 18 से 33 मांगा था, इस बार 3 साल आपको और मिल जाएगा, मतलब कि 18 से 36 आपको मिनिमम क्या मिलने वाली है, एज मिलने वाली है। तो ये आप देख सकते हो ये बहुत बेहतरीन पद आपके लिए हो सकता है। तो उम्मीद है अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो आप बिल्कुल सही जगह पे हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो टीम परीक्षा प्लस फिलहाल के लिए अभी जो आपकी वैकेंसीज लगी हुई है ALP और टेक्नीशियन, इनके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है। और ये कोर्स सबसे अच्छी बात है कि CBT 1 और CBT 2 दोनों मिला के, क्योंकि यहां पे 2 CBT में होती है, ग्रुप डी में केवल एक ही होगा, उसका भी बहुत मिनिमम प्राइस में हम लोग लेके आएंगे। बट अभी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो सेम आपका सिलेबस है, चाहो तो आप इससे भी, अगर आप NTPC की भी तैयारी कर रहे हो तो आप, तो मैं बोलूंगा NTPC ले लो, आपको ग्रुप डी की तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपका इसी से कवर हो जाएगा। और आपका ये CBT 1 CBT 2 मतलब कम से कम 1.5 से 2 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी और आपको मात्र 499 में मिल जाएगा कंप्लीट कोर्स। तो ये आप कहां से जुड़ सकते हो, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आप कोर्सेस में जाएंगे, वहां से जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट live.parikshaplus.org, और दोनों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, यहां से आप जाके इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, सबसे अच्छी बात है कि टीम परीक्षा प्लस पूरी जो इंजीनियर्स की टीम है आपको एक बहुत बेहतरीन गाइडेंस देने वाली है। आपको जितने भी फैकल्टीज मिलेंगे यहां पे इंजीनियर्स मिलेंगे, और ये RRB हम लोग के लिए भी एक ड्रीम जॉब है कहीं ना कहीं, कि एक जो अंदर से आवाज आती है कि नहीं हम अपने बच्चों को पढ़ा के उन्हें उनके मुकाम तक पहुंचाएंगे, हमने जो करके आए हैं वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। यहां पे साइंस की, मैथ्स की, रीजनिंग की बात किया जाए तो बहुत ही बेमिसाल है। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और कोर्स अगर जुड़ते हैं तो पहले से ही मैं एडवांस में आपको साधुवाद और आभार प्रकट करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।